उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को पुलिस ऑफिस से लेकर पुलिस लाइन तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण किया। सभी को डीजीपी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। आपको बता दें कि शनिवार को झंडा दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टर गार्ड में हुआ। यहां मुख्य अतिथि एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया, साथ ही अपने वर्दी पर यूपी पुलिस के झंडे का स्टिकर लगाया। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मियों के वर्दी पर भी झंडा लगाया गया। पुलिसकर्मियों ने झंडे को सलामी दी। इस दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के संदेश का वाचन किया। एसएसपी ने कहा कि झंडे के नीचे सभी पुलिसकर्मी संकल्प लें कि पीड़ितों को न्याय, सबको सुरक्षा और सम्मान दिलाकर झंडे की गरिमा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, राजपत्रित अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा। वेद और पुराणों में है, पुराणों में भी देवताओं के झंडों का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि अत्यंत प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच जो भीषण युद्ध हुआ था, उसमें देवताओं ने अपने रथों पर जिन चिन्हों की कल्पना की थी, वह उनके ध्वज के प्रतीक चिन्ह बने थे। ध्वज का महत्व हम महाभारत काल में भी पाते हैं। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के मध्य धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ पर एक ध्वज पताका थी, इतिहास गवाह है। उन्हीं ध्वजों के प्रतीक रिबन के रूप में धारण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। उसी फ्रांसीसी परंपरा को हम सभी वर्दीधारी बलों द्वारा अंगीकृत किया गया है। 20वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रपति का रंग उसका सर्वोच्च सम्मान है, जिसे भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है। इसे निशान के रूप में भी जाना जाता है, जो एक प्रतीक है जिसे सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा अपनी वर्दी के बाहर हाथ की आस्तीन में पहना जाएगा। अधिष्ठान ईओडब्ल्यू, तकनीकी सेवाएं, लॉजिस्टिक, यातायात निदेशालय आदि इकाइयां लखनऊ में स्थापित की गई, तथा एसटीएफ, एटीएस 112 और 101090 का गठन किया गया। हाल ही में साइबर थाने, ईओडब्ल्यू थाना, पावर कॉरपोरेशन थाना, विजिलेंस थाने का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन एवं फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रचलित है। हाल में वैश्विक बीमारी, आज ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस झंडा दिवस के में आज पुलिस फ्लैग को आरोहित किया गया है, और उसमें पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा जो संदेश था उसको पढ़ के सभी को सुनाया गया है। पुलिस कलर जो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में पुलिस को प्रदान किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। डीजीपी साहब का संदेश सभी पुलिसकर्मियों को पढ़ करके सुनाया गया, और झंडा दिवस की महत्व और उसकी आत्मसात करने हेतु जो सब लोगों को जो संदेश है डीजीपी साहब का, वो पढ़ करके सुनाया गया। जी सर, तो नॉर्मल है, हमारे जो रिक्रूट कॉन्स्टेबल आए हुए हैं उनसे बात हुई।